दोस्तों, देवी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान जी को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों तथा भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखने लगी। उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने देवी सीता की ओर देखकर कहा, भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। तब माता सीता जी ने वायुपुत्र हनुमान जी को वह हार दे दिया। तत्पश्चात राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध मैंद और नील की ओर देखकर उन सबको उत्तम रत्न आदि भेंट किए। इसी प्रकार जो प्रधान प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे उन सबका वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का उत्सव देखकर सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्न चित्त होकर जैसे आए थे उसी प्रकार महाराज श्री रामचंद्र जी से विदा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो अपनी किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। धर्मात्मा विभीषण जी भी अपने कुल का वैभव अपना राज्य पाकर अपने साथी निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगी। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, हमारे पिता, पितामह और प्रपितामहों ने जिस राज्य भार को पहले धारण किया था उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के सब प्रकार से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब लक्ष्मण जी ने उस पद को नहीं स्वीकार किया तब श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। महाराज श्री रामचंद्र जी ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज्य पाकर 11,000 वर्षों तक उसका पालन किया और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए थे तथा ऋतविजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थी। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की भी आशंका नहीं थी। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे। सभी धर्म परायण थे और कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे। सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल श्री राम, श्री राम, श्री राम की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राममय हो रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे। सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कर्मों में संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्षों तक इस भूमंडल पर राज्य किया था। यह ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय दिलाने वाला है। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो पुत्र और धन का अभिलाषी हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय पाता है और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और बड़ी आयु पाता है। जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन भगवान विष्णु स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी हैं तथा भगवान शेष ही
लक्ष्मण जी कहलाते हैं। रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सदा देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। जो लोग श्री रामचंद्र जी में भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं, उनका स्वर्ग में निवास होता है।